जीताई होती है, सब सौभाग्यवती है। अखंड समय माँ जाती है तो हंसी खुशी माँ को विदा करने, जैसे एक बेटी घर से जाती है तो उन्हें हंसी खुशी उनके ससुराल भेजा जाता है, और हम लोग सब सौभाग्यवती रहे, हमेशा सुहागत रहे, बस यही माँ से दुआ है। सिंदूर खेला के पीछे क्या कुछ नियम है? हम बिहारी लोग सिंदूर खेला इसलिए करते क्योंकि ये माना जाता है कि हम लोग का अखंड सौभाग्य रहता है सिंदूर खेलने से। लेकिन बंगाली पद्धति से है कि इस दिन माँ का विसर्जन होता है, उस दिन हम लोग हंसी खुशी माँ को विदा करते हैं सिंदूर खेलते हुए, और ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है और इसी परंपरा को हम लोग भी निभाते आ रहे हैं, और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। इस दिन का हम लोग साल भर इंतजार करते हैं सिंदूर खेला का, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बंगाली और बिहारी दोनों परंपरा निभाया जाता है, हाँ। तो क्या लगता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं माँ के आने के लिए, हम लोग पहले से ही तैयारी किए रहते हैं, और खासकर सिंदूर खेला के लिए तो कुछ ज्यादा ही तैयारी होती है हम लोगों की।